वेलकम गाइस टू गाइस, आज हम लोग आ चुके हैं दोबारा से अपने प्यारे नेल सैलून 3D में। ओए आज फिर से हम लोगों ने नेल सैलून खोला है। हां भैया, पिछली बार बिजनेस फ्लॉप हो गया था, तो भैया इस बार फिर से हम लोग ट्राई कर रहे हैं। आओ, इस जैकेट की वजह से फ्लॉप हुआ था। ओए मैंने क्या किया था, बिजनेस बढ़िया चल रहा था, ये बॉब बीच में आता तो बढ़िया चलता। हे भैया, आपस में एक दूसरे को ब्लेम करने का कोई फायदा नहीं। तो चलो गाइस देखते हैं यार नेल सैलून 3D में कौन होता है नूब, कौन बनता है प्रो और कौन होता है आज का हैकर। दोस्तों ये बताने में से आप सभी लोग कौन हो, अगर दोस्तों प्रो तो वीडियो को लाइक कर देना, और गाइस अगर हैकर हो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर देना। आओ और दोस्तों चलो गॉड हो सभी लोग प्यारा प्यारा कमेंट भी कर ही देना। चलो सैलून स्टार्ट करते हैं। पहले भैया मैं जाऊंगा और कस्टमर्स को अच्छी सर्विस दूंगा, क्योंकि भैया पिछली बार आप दोनों ने बैड सर्विस दी थी, तो भैया कस्टमर सारी भड़क गए थे। ठीक है, अच्छी सर्विस देंगे। आओ, मैं भी आगे, इस बार किसी को हम लोग डिसअपॉइंट नहीं करेंगे। ये देखो बा, पहली सर्विस कितनी अच्छी रही हम लोग की, इससे जो सैलून की रेटिंग है ना वो बढ़ती है। आहो, नेक्स्ट कस्टमर कौन आएगा? मैडम जी कैसी हो बाप, हट ले मेरी बारी है। हे लड़ो मत यार। ओए मुन्ना, इस बाप को शांत रख ले। हे बाप इसके बाद चले जाना। मैडम जी आपके नाखून एकदम चक्कर चक कर दूंगा। ओए अरे भैया यार, कैसे बनाने थे कैसे बना दिए? ओए कुछ गलती कर दी क्या मैंने? गलती नहीं, बहुत बड़ी गलती की है। ओए तू चुप रह ले। भैया आपका कुछ नहीं हो सकता। ओए क्यों कुछ नहीं हो सकता, बढ़िया तो मुन्ना मैं सब कुछ कर रहा हूँ। ओए ये देखो एकदम फुल फिनिशिंग के साथ किया। ये क्या मैडम जो, क्या हो गया? गुस्सा आ गया कुछ नहीं। भैया उन्होंने आपको क्या बोला था? ओए क्या बोला था, नेल्स को कट करके रब करने को तो बोला था। नहीं भैया, उन्होंने नेल्स को दूसरी तरह से कट करने को बोला था। क्या फायदा भैया, भगवा दिया। आओ आगे, डोंट वरी मैं संभाल लूंगा, और इसे जॉब से निकालो, किसी काम का नहीं है। चलो सबसे पहले हम लोग दोस्तों सोफा को सही करते हैं। हे बाप थोड़ा सा ध्यान से। आओ आगे, तुम मेरी तरफ से एकदम चिंता मत करो, मैं एकदम सब कुछ सही सर्विस दूंगा, एकदम मस्त सा कलर कर दूंगा नेल्स में। मुन्ना देख रहा है? बाप तुम्हारा भी कुछ नहीं हो सकता। आहो लेकिन आगे देखो तो कितना मस्त नेल लग रहा है। हे बाप तुम्हारी मर्जी का नहीं कलर करना था, उन्हें अपनी मर्जी का करवाना था, लेकिन ये भी तो सही लग रहा है ना। बाप इस तरह से हम लोग का सैलून बंद हो जाएगा। आओगे सारे, अगली बार से नहीं होगा। मैडम जी कहाँ जा रही हो? ओए मैडम तो गई बाबा, तो चुप रह ले। हे शांत होना, कस्टमर आए। हेलो मैडम, नाइस टू मीट यू। ओ तो आपके नाखून ऐसे करने हैं? ठीक है, आ जाएगा। सबसे पहले हम लोग रब करेंगे, वो भी आराम आराम बिना किसी दिक्कत के, और उसके बाद हम लोग नेल पॉलिश लगाएंगे आपके नाखूनों में। और आपको व्हाइट चाहिए ना? है व्हाइट ही मिलेगी मैम आपको एग्जैक्टली, और ये एकदम धीरे धीरे ना कोई गड़बड़ के साथ। ओए बाबा आओ आगे, वेल डन। ये देखो भैया एकदम क्लियर और एकदम सब कुछ साफ साफ। आओ आगे, वेल डन, तुम्हें तो फुल रेटिंग मिल गई। अब अभी तो इसी तरह से तो किया जाता है, आप लोग तो कस्टमर्स को भगा देते हो। ये सब बाप की गलती है। ए भैया एक दूसरे को ब्लेम करने से अच्छा आप लोग सर्विस पे ज्यादा ध्यान दो। ओए मुन्ना तू इस बार टेंशन मत ले। मैडम जी कैसी हो? और तो आपका ऐसा डिजाइन चाहिए, हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। सबसे पहले हम लोग करेंगे रेड कलर, और ये हो गया रेड कलर कंप्लीट। आओ अभी डिजाइन पेपर की बारी है। ओए चल साले मुझे पता है, डिजाइन पेपर में दोस्तों हम लोग को कलर करना है कौन सा, व्हाइट कलर है। ठीक है व्हाइट ये रहा, हल्के से व्हाइट कलर को पिक करना है, और उसके बाद लगता है भैया आपने गलत कलर चॉइस कर लिया है। गलत और पगला गया, गलत कहाँ है? मैडम जी को गुस्सा आ रहा भैया। मैडम जी क्या हो गया? कोई दिक्कत नहीं, मैं सब कुछ सही कर दूंगा। ओए अच्छा तो लग रहा है, लेकिन भैया कलर मैचिंग नहीं हो रहा ना ऊपर वाले डिजाइन से। ओए तो वो था ही नहीं नेल पॉलिश में, तो मैं क्या करूँ? ओए स्टॉक्स मंगा ले मुन्ना। ठीक है भैया मैं मंगा लूंगा। चलो भैया अभी, अरे ये क्या कर दिया? ओए बढ़िया तो लग रहा है। भैया आपने तो कुछ ज्यादा ही डिफरेंट बना दिया। ओए डिफरेंट नहीं है, वो देख मैडम जी को पसंद आ गया। इतना भी ज्यादा पसंद नहीं आया, लेकिन ठीक है आपने फिनिशिंग अच्छी दी है इस बार। ओए मुन्ना वो तो मेरा टैलेंट है। ओए अभी देखते हैं पैसे मिलेंगे कि नहीं। ओए भैया पैसे तो मिलेगी, लेकिन भैया रेटिंग कम मत करवाओ यार। ओए नहीं कम होगी अगली बार से। मैडम जी अगली बार आप डिसअपॉइंट नहीं होगी। आओ अब शांत रहेगा। ओए हाँ ठीक है, मैडम जी को कैसे नेल पॉलिश चाहिए आप मुझे बताइए। हिचका हिचका, ओए तू पहले उनके नेल कट कर दे। ओ ये कितना ज्यादा कचरा।
आओ, कोई नहीं, सब कुछ साफ हो जाएगा मैडम जी। ये रहा रबिंग पेपर नहीं है, क्लीनर है वो। कुछ भी हो, ये देखो एकदम नीट एंड क्लीन, और मुझे फुल मार्क्स भी मिले, तेरी तरह आधे नहीं मिले। ओए हाँ, ये बहुत इजी है बाबा, वेल डन बाबा। ओए वेल डन क्या, ये तो मैं भी कर सकता था। है ठीक है भैया, आपकी बारी आएगी तो आप भी कर लीजिएगा। आगे संभालो। हे बाप, सबसे पहले हम लोग अपने सलून का बहुत कुछ चेंज करना चाहेंगे। करेगी नहीं? ओए हाँ बिल्कुल बिल्कुल। चलो भैया, मैंने फ्लोर तो चेंज कर दिया है। अभी भैया थोड़ा सा कस्टमर्स पे ध्यान देते हैं, क्योंकि भैया कस्टमर्स भगवान होते हैं ना। हाँ वही वही, मतलब भड़क जाएगी मैडम जी। तो आपकी नेल पॉलिश सही करनी है मैडम जी। कोई ना, सबसे पहले मैं इसे क्लीनर से एकदम क्लीन करता हूँ। ये हो गया नीट एंड क्लीन, और अभी ये नेल पॉलिश जोड़ते हैं। अरे भैया, ये नेल पॉलिश तो ही नहीं हमारे पास। तो कोई भी ब्लू लगा देना, देखते पसंद आता है कि नहीं। नहीं पसंद आई। कोई ना भैया, ये भी अच्छी लग रही है। मैडम जी, आपकी नेल पॉलिश तो लगी गई ना है। चलो अब जल्दी से पैसा निकालो, मुंडा रेटिंग डाउन करवाएगा क्या। ए भैया, इतनी बुरी नहीं लग रही यार। हाँ बुरी तो नहीं लग रही, जो डिजाइन दिया था उससे काफी अच्छी है। ओए वही तो, वेल डन होगी। आखिरकार सलून संभाले तो तुम्हारे जैसे कोई संभाले। है बाप ठीक है, चलो अब भैया आपकी बारी। ओए हाँ हाँ ठीक है मैडम। कितना गंदा है नाखून ये। ए भैया तो क्लीन करो ना। ओए हो जाएगा। ओ ये मशीन से मुझे डर लग रहा है, कहीं ये काट ना दे। ओ ये क्या भैया, संभाल के। ओए मैडम जी गलती हो गई, सॉरी। मैं इस बार एकदम मुन्ना फोकस करके करूंगा, और ये एकदम कोई गलती नहीं होनी चाहिए, कट कहीं नहीं लगना चाहिए। ओए हाँ भैया, वो खतरनाक मशीन है, तो संभाल के भैया, क्योंकि उसके बाद आपको शायद से भैया यहाँ पे नेल्स भी कट करने पड़ेंगे। ओए वो सब हो जाएगा, पहले क्लीन तो कर लूँ। ओए चलो क्लीन हो गया। अच्छा मैडम जी को यही बस करवाना था। ठीक है भैया, नॉट बैड। नॉट बैड, ओए बहुत बढ़िया सर्विस थी मेरी इस बार। है ठीक है भैया, चलो अभी थोड़ा सा अपने सलून को भी संभाल ही लेते हैं। हाँ सलून, ओ लेकिन सलून में हम लोग इस बार चेंज क्या करें। बहुत कुछ चेंज करना है भैया। सबसे पहले हम लोग यहाँ की कुर्सियाँ चेंज करेंगे। ये हो गई भैया चेंज, और उसके बाद ये फ्लावर पॉट, और उसके बाद भैया क्या, ओए दीवाले। ये लैंप भी भैया बहुत ही पुराना लग रहा है, अभी सही लग रहा है। ओए क्यों ना हम लोग वॉल पेंट करें। ओए वॉल पेंट अच्छा आइडिया है। ये लो फ्लोर भी बदल दियो है। फ्लोर तो अभी बदला था भाई ना भैया, अच्छा लगना चाहिए। आओ ये तो काफी अच्छा लग रहा है, देखो हम लोगों ने अपने शॉप में कितने सारे चेंजेस कर दिए है। वो तो है। चलो अब अभी तुम्हारी बारी। आहो मैडम जी टेंशन मत लो, नेल साहब के एकदम हिसाब से ही कटेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। आहो लेकिन नेल्स में तो यही है बस। ओए हाँ तो कट करना, हो जाएगा। या देखो इसकी बस रबिंग करनी थी, जो कि हो चुकी है एकदम परफेक्ट तरीके से। हाँ बाप, अभी तुझे ये सारा कचरा भी हटाना पड़ेगा। कोई ना, ये भी हट जाएगा, क्योंकि बॉब की सर्विस वेस्ट नहीं जाएगी। हिचका हिचका, और देखना आगे मुझे नंबर भी बेस्ट मिलेंगे। हाँ बाप देखते हैं आराम से बाप, क्योंकि इधर कोई रिस्क लिया तो कट लग जाएगा। आओ आगे, मैं जैकी नहीं हूँ, कट आउट नहीं लगेगा। ओए तू हमेशा मेरा ही क्यों एग्जांपल देता रहता है, क्योंकि तू ही तो एक नंबर का नूबड़ा है। हिचका हिचका, चलो व्हाइट नेल पॉलिश, इट्स टू इजी, ये तो हो गया। ओए हाँ हो तो गया, ओए सही लग रहा है मुन्ना। हाँ भैया काफी सही लग रहा है। बहुत बढ़िया बाप, वेल डन यार। आओ चलो चलो, बेस्ट सर्विस, अभी नेक्स्ट कस्टमर का इंतजार। ओए मुन्ना हम लोग का सैलून ठीक है ना। हाँ भैया वो सही है। तो क्या करवाना है मैडम जी को। ओ इनका नेल तो काफी भैया गुड लग रहे है, और डिजाइन वगैरह बनवाना है। मुन्ना ध्यान से, ये कलर हमारे पास है नहीं। ओए कोई ना, कलर नहीं है तो कर दिया जाएगा है, लेकिन कैसे। कोई ना भैया, हमारे पास और भी सारे कलर्स हैं। ये लो कैसा लग रहा है। ओए क्या मतलब है, तुझे कैसा लग रहा है। मैडम जी को अच्छा लगना चाहिए। ये भैया अब हमारे पास नहीं है तो क्या है। तो भैया हम लोग और भी चीजें सही करेंगे ना, जैसे भैया ये डिजाइन। ओए हाँ ये रैबिट बन तो जाएगा ना, अब इसका ये मत बोलना इसका कलर नहीं है। अरे नहीं नहीं भैया ऐसा है, ये देखो भैया ये डिजाइन पेपर भी मिल गया, और साथ ही भैया रैबिट को भी व्हाइट कर दिया, क्योंकि भैया हमारे पास व्हाइट कलर अवेलेबल है। और इसके बाद इसके बाद हम लोग को चाहिए ऑरेंज है ना भैया, ये भी तुम्हारे पास है। ओए हाँ हाँ मुन्ना, थोड़ा सा कलर मैचिंग होना चाहिए। आहो एकदम परफेक्ट मैच, अभी हम लोग को रेड कलर चाहिए। ओके और ये रहा उसका डिजाइन पेपर, और रेड भी हमारे पास है। ये देखो भैया
रेड भी आ गया है, सब कुछ मैचिंग कर दिया भैया। बस वो थोड़ा सा नेल का जो भैया उनको वो कलर चाहिए था वो मिला नहीं। कोई ना मन्ना, ग्रीन चाहिए था उन लोगों का, लेकिन ठीक है, येलो भी बढ़िया लग रहा है। हाँ भैया बढ़िया तो लग रहा है। चलो भैया, अब आज बहुत ही सैलून वगैरह ओपन कर लिया। ओए रुक जा मुन्ना, मुझे कुछ चेंजेस करने हैं। येलो फ्लोर चेंज हो गया। आओ, बार बार तू फ्लोर में क्यों पैसा लगाता है? ओए ठीक है ना, अच्छा तो लग रहा है। चलो मैडम जी, अब आज के लिए बंद हो गया सैलून, अब कल आइएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और गाइस वीडियो पसंद आया तो लाइक भी कर दीजिएगा। और बाकी गाइस आप सभी को मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को टिल देन टेक केयर, बाय बाय। सभी दोस्तों को बाय बाय।